अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जुवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास ना टेंथ, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है। क्लास यहाँ पे 5.1 के अंदर हमने सीखा, अगर हमारे पास दो सेट हों तो उनको हम कैसे यूनियन, इंटरसेशन, डिफरेंस और कम्प्लीमेंट लेते हैं। अब क्लास 5.2 के अंदर हमारे पास तीन सेट आ जाएंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में तीन सेट दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है एक्स का, जो इक्वल टू है 1357 अप टू सो ऑन 19 तक। उसके अलावा एक और सेट दिया हुआ है y, जो कि इक्वल टू है 02468 अप टू सो ऑन 20 तक। थर्ड दिया हुआ है z, विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास 2357 11 13 17 and 19 भी है एंड 23। अब क्लास उसने हमें जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें दो सेट ब्रैकेट्स में होंगे और एक सेट ब्रैकेट्स के बाहर होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें पता है हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। इसका मैं वन पार्ट कर देता हूँ, पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स इंटरसेशन वाई, एक्स इंटरसेशन वाई ब्रैकेट इंटरसेशन जी। एक्स का इंटरसेशन लिया वाई के साथ और उसका इंटरसेक्शन ले लिया जी के साथ। अब क्लास सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो एक्स का इंटरसेक्शन लिया वाई के साथ और वो लिखते हैं, एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 1357 अप टू सो ऑन 19 तक। उसका उसने इंटरसेक्शन ले लिया क्लास 0246 अप टू सो ऑन 20 तक। ये हैं क्लास हमारे पास इंटीजर्स ओड और सॉरी इवन इंटीजर्स, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स। क्या लेना है इंटरसेक्शन है तो क्या लेंगे, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो क्लास अगर कॉमन देखें तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर है 1357 11 13 17, जो कि इसके अंदर क्या है सारे इवन नंबर्स, तो इन दोनों के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया नल सेट, x इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या आया नल सेट। तो ब्रैकेट हमारी सॉल्व हुई। अब ब्रैकेट को हमने इंटरसेक्शन लेना है z के साथ, मतलब x इंटरसेक्शन y का जो हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आया है उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे z के साथ। x इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या है क्लास एम्प्टी सेट, उसका भी हमने इंटरसेक्शन ले लेना है z के साथ। z है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब क्लास देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये तो एम्प्टी है और इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकला। तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास क्या आया एम्प्टी आया। और क्लास यही हमने फाइंड करना था कि हमने पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट सॉल्व की, उसके बाद जो ब्रैकेट का आंसर आया उसका हमने कॉम्प्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन ले लिया जी के साथ। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर जो 6 और 8 है इसी तरह बिल्कुल सेम है। अब हम वो करते हैं पार्ट नंबर 6 एंड 8 पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 8x इंटरसेक्शन y और इसका उसने ब्रैकेट का यूनियन लिया हुआ है नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ एक्स इंटरसेक्शन जी के साथ। अब क्लास यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर दोनों ब्रैकेट्स का आपस में क्या ले लेंगे यूनियन। पहले ये ब्रैकेट लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब दोनों में कॉमन, एक्स का सेट लिखेंगे 1357 अप टू 19 और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे वाई के साथ, वाई है 0246 अप टू सो ऑन 20 तक। तो क्लास इंटरसेक्शन में क्या लेना है कॉमन। अब देखें ये प्राइम नंबर हैं,
ये ओ इंटीजर है इवन, तो ये प्राइम नंबर और इवन नंबर इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास नल सेट, एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास आ गया नल सेट। अब अगर हम सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स है हमारे पास 1, 3, 5, 7, up to 19 तक, जी हमारे पास, जी का इंटरसेक्शन है जी है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23। इंटरसेक्शन में क्लास कॉमन ले लेना है, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 आ जाएगा, 5 कॉमन है 5 आ जाएगा, 7 कॉमन है 7 आ जाएगा, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, 17 कॉमन है, 19 तक क्लोज हो रहा है तो 19 भी कॉमन है और 19 तक हम क्लोज कर देंगे। ये आ गया क्लास कॉमन आ गया एक्स इंटरसेक्शन जी। अब क्लास उसके बाद उसने कहा इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में क्या लें यूनियन, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का हम यूनियन ले लेंगे एक्स इंटरसेक्शन जी के साथ। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास क्लास क्या था, नल सेट एम्प्टी सेट, उसका हमने अब यूनियन ले लेना है एक्स इंटरसेक्शन जी के साथ 3, 5, 7, 3, 5, 7, up to 19 तक। तो क्लास यूनियन में दोनों सेट में जो जो वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी, ये तो एम्प्टी है तो उसमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये इसमें सेट के कलेक्शन हैं वैल्यूज़ हैं तो ये ले लेंगे 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 and 19। तो क्लास ये यूनियन आ गया इन दोनों के दरमियान और यही हमने क्लास फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें उसने हमें क्या है प्रूव करके दें लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, एक पार्ट में उसका भी कर देता हूँ। अब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी उसने हमें 3 सेट दिए हुए हैं, ए सेट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट है हमारा इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग है 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी सेट हमारा इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है 2 से लेके 8 तक 2, 4, 6, 8। सी सेट जो है वो हमारा इज इक्वल टू है 1, 4, 8 1, 4, 8। इससे क्लास में लास्ट पार्ट करता हूँ पार्ट नंबर 4, उसमें से हमें कहा हुआ है ए का यूनियन ने बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो इज इक्वल टू आएगा ए का यूनियन बी के साथ और उसका देन कॉम्प्लीमेंट लें ए का यूनियन सी के साथ। क्लास सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें वो क्या है हमारे पास ए का यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट में क्या है बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास किसकी इक्वल है क्लास 2, 4, 6, 8, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, सी है 1, 4, 8। अब क्लास इंटरसेक्शन में क्या आता है कॉमन, तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 4 भी कॉमन है 8 भी कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा किसकी इक्वल आया 4 के और 8 के। अब हमने इसका यूनियन ले लेना है ए के साथ, तो ए यूनियन इन टू बी इंटरसेक्शन सी, ए हमारा किसकी इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका यूनियन ले लेना है हमने क्लास 4 and 8 के साथ। अब यूनियन में क्या आता है दोनों साइड के तमाम वैल्यूज़ लेकिन रिपीट ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ जाएगा, नेक्स्ट में 4 आ चुका है तो 4 नहीं लेंगे और 8 आ जाएगा। यह क्लास हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब क्लास नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो क्लास हमारे पास इक्वल है ए यूनियन बी के और उसका कंप्लीमेंट लेना है ए यूनियन सी के साथ। तो क्लास सबसे पहले हम क्या लेते हैं ए यूनियन बी, क्लास ए हमारा किसके इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका हमें यूनियन लेना है बी के साथ 2, 4, 6 and 8। तो क्लास यूनियन में तमाम वैल्यूज आ जानी है 1, 2, 3,
थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, टू आ चुका है नहीं लेंगे, फोर भी आ चुका है, सिक्स भी आ चुका है, सात एट ले लेंगे। तो ये क्रॉस आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद अब हम लेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में एक इसकी इक्वल आएगा क्लास, ए हमारा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसका हम यूनियन ले लेंगे सी के साथ, सी है वन फोर और एट। अब यूनियन में दोनों सेट की तमाम वैल्यूज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन भी आ चुका है, फोर भी आ चुका है, एट नहीं आया तो एट ले लेंगे। ये आ गया क्लास हमारे पास ए यूनियन सी। अब क्लास हमने इन दोनों का क्या लेने लेना है, इंटरसेशन। ए यूनियन बी का हमने इंटरसेशन ले लेना है ए यूनियन सी के साथ। अब क्लास ए यूनियन बी हमारा किसकी इक्वल था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड एट, इसका हमने इंटरसेशन ले लेना है वन ए यूनियन सी के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड एट। तो क्लास दो कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज़ आ जानी है, कि दोनों सेट में कॉमन होगी। तो हम देखेंगे दोनों सेट में तमाम वैल्यूज़ कॉमन है, वन भी दोनों में है, टू भी दोनों में है, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी दोनों में है, और एट भी दोनों में है। तो क्लास ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, और यही हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। और यही था क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। आज का क्लास हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।